Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. कलर्स टीवी के शो दिल से दिल तक में कितना अच्छा लगता है ना जब शोरवरी और पार्थ एक दूसरे के करीब रहते हैं। देखिए किस तरह पार्थ शोरवरी की मांग में भर रहा है सिंदूर और जता रहे हैं अपना प्यार। लगता है हैप्पी डेज आर हियर अगेन। काश ऐसा हो पाता, लेकिन जो दिख रहा है वो एक अधूरा सच है जो अब एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। दरअसल ये सब फ्लैशबैक सीन है। होता कुछ यूं है कि पार्थ को शोरवरी की एक पुरानी सिंदूर की डब्बी मिलती है जिसे किसी जमाने में पार्थ खुद शोरबड़ी की मांग भरा करते थे, और उन्हीं लम्हों को याद कर पार्थ खुद गुम हो गए हैं और सारी पुरानी बातें कर रहे हैं याद। पार्थ ने सिर्फ मांग ही नहीं बल्कि नाक भी रंग डाली, और तो और ये रंग बिरंगी जिंदगी अब हो गई है बेरंगी, और इसी गम में गुम है पार्थ। हाँ, फ्लैशबैक हमेशा, मतलब पास्ट की यादें हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एंड पार्थ और शोरवरी की सारी यादें बहुत खूबसूरत और प्यार भरी। हाँ, ये थोड़ा, ये जो लाल इश्क वाला, जो होली वाला प्यार है ना, वो थोड़ा सा अलग। एंड हाँ, इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट बिटवीन पार्थ एंड शोरवरी। सो ये पार्थ का फ्लैशबैक है, वो ये सारी चीज़ें याद करके और शोरवरी को याद करके रोता है और बहुत सैड फील करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज शोरवरी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो बहुत जल्द मर जाएगी और कोशिश पूरी कर रही है कि कुछ हो जाए मिरेकल और वो बच जाए, बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो, होप ज़्यादा है उसके बचने की। और पार्थ उसे दिन भर याद करके रोते रहता है, अपने आप को कोसते रहता है कि ऐसी क्यों गलती हो गई, और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहे। तो दूसरी तरफ शोरवरी भी रो रही है एंड डीलिंग विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अलोन विद टेनीज हेल्प। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Hi, this is Siddharth and you're watching me on India Forums. अब आपको क्या लगता है पार्थ और शोरवरी की सिचुएशन के बारे में? Do comment below and let us know.